Hi everyone, welcome back to my channel. This is day 15 of vlogging for 25 days. बस 10 दिन बचे अब. So guys, आज अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं और हम लोग सब उठ चुके हैं, काम वाम कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि आज हबीक भी है दादा दादी का. So आज हमारे घर पर चूल्हा नहीं, तवा नहीं चढ़ाया जाएगा, तो इसलिए अब खाना मेरे को बनाना है, बाकी लोग सारा काम करेंगे. सो मैं पोहा बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं हलवा ही बनाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से सूजी का हलवा खाने का मन है. सो देखते हैं कि मैं बनाऊँगी या नहीं, बट पोहा तो बनाना है. सो अभी हम पोहा बनाएंगे, एंड क्योंकि शराद वगैरह पापा करेंगे तो पापा आज खुद ही बनाएंगे खाना, खुद ही खाएंगे 4 बजे के टाइम पर. हाँ, 4 बजे बनाएंगे तभी खाएंगे. और दादा दादी दोनों का शराद आज एक, मतलब इस बार एक ही साथ हो रहा है. सो यार गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी कल का दिन भी, शराद वाला दिन, और आज का भी दिखाऊंगी. तो रोज़ ही वैसे लाइट आ गई ना. हाँ अभी तक लाइट गई थी, अभी आ गई. थैंक यू गाइस, आप लोग मेरे लिए कितने लकी हो. देखो जैसे मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया लाइट आने लग गई. बस सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, बहुत लोग देखते तो है पर बिना सब्सक्राइब करे देख लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कर लेना चाहिए ना. और ये भैया की शर्ट पहन के मैं भैया जैसी लग रही हूँ. चलो बाय, तो देर में मिलती हूँ. सो गाइस, अब मैं पोहा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. गाइस सबसे पहले हमको ये बताओ मौसी का क्या चक्कर. और मैं गलती से प्याज काटने ही वाली थी, पर मम्मी ने बोला कि प्याज नहीं डरेगा आज. अच्छा हुआ मैंने नहीं छिला, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई, मेरे आंसू निकलते हैं फिर. चलो अब हम लोग बना रहे हैं, मौसी भी आ गई है दुकान से. सो ये मैंने आलू और मूंगफली को फ्राई करके रख दिया है, एंड कड़ी पत्ता भी आ गया है. और प्याज नहीं डालना है तो हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं, और शिमला मिर्च ना पोहे में बहुत सही लगती है. जो भी शिमला पोहे में शिमला मिर्च डालता है बहुत बढ़िया काम करता है. ठीक है बाय. सो गाइस, पोहा रेडी है और हलवा भी रेडी है. ये रहा हमारा पोहा, ये रहा हमारा हलवा सूजी का, जो मैं बहुत टाइम से खाना चाह रही थी. अब बताओ, पोहा भी मेरा फेवरेट है, हलवा भी मेरा फेवरेट है, मज़ा आ गया आज तो. अब रेडी है हमारा यम्मी यम्मी सूजी का हलवा. ये ना बिल्कुल भंडारे वाला हलवा होता है, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी सीख ली, और जब से मैंने ये रेसिपी सीखी है तब से ऐसे ही बनाती हूँ हलवा, और हमेशा बढ़िया बनता है. सो मैं उठ गई हूँ, सो के उठ गई हूँ, और मेरी मेहंदी यार एकदम काली लगी, इस पर ही दिख रही ना. अभी रुको मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ. देखो एकदम काली मेहंदी लगी है मेरी, ब्राउन. अमू नाइस. यार ये रोज़ कितना सुंदर लग रहा है. सो गाइस, इतना टेस्टी नाश्ता करने के बाद किसको नींद नहीं आती. तो हम लोग सो गए थे सबके सब, तभी सो गए थे ना. अच्छा, मम्मी नाश्ता करके जिम जाके आई है. अब अगर बोली कि ना कि रात पर पेट में दर्द हुई है फिर देखिए. ठीक है. हाँ तो फिर हम लोग तो सब सो गए थे, अभी 12:30 उठे हम लोग. अब क्या करें, अब नहाना धोना करते हैं. और ना आज हबीक है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो फिर पापा का तो फास्ट है. पापा सुबह ही 5-6 थैले भर के फ्रूट्स घर पर लेके आ गए हैं. हबीक शराद से पहले होता है एक चीज़, मतलब शराद से पहले वाले दिन को हबीक कहते हैं. हाँ तो पापा पहले से ही अपना तैयारी कर ली थी, इतने सारे केले लेके आए, पपीते लेके आए, सब कुछ. अभी मैंने पपीता काट के दिया है, एंड अब खाना बनेगा हमारे घर में 3 बजे तक का. और खाना वैसे पापा बनाएंगे अभी जो बनेगा, बस मम्मी तैयारी व्यारी करके रख रही है, सब्जी वगैरह काट रही है. और मोस्टली खाने में हबीक के दिन वही बनता है, कद्दू की सब्जी ये सब. क्या बन रहा है आज? कद्दू तोरी की सब्जी, रायता, दाल, चावल. सो ये सब बनेगा, बिना लहसुन प्याज का खाना बनना है.
मम्मी सारी सब्जी काट के देगी, सब कुछ प्रिपेयर करके देगी, पापा को बस चूल्हे में सब चढ़ाना है एंड देन पापा खाना खाएंगे 4 बजे और फिर सीधा नेक्स्ट डे खाएंगे पूजा करने के बाद। हाँ अभी शाम के 4 बजे हम लोग खाना खाएंगे। ईटी हल्लू कहाँ गो? आपने? वो मैं अपने गाइस को रिव्यूज़ देने वाली थी। हाँ तो गाइस मैं बता रही थी कि जो हलवे की रेसिपी है ना, पहले से हमारे घर में ये मम्मी लोग जो हलवा बनाते हैं, पहले से क्या मम्मी लोग जो हलवा बनाते हैं ना, वो हलवा वैसे तो वैसे भी सूखा हुआ ही बनाते हैं, पर फिर जब उसको मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है 1-2 घंटे तो वो अच्छे से हार्ड हो जाता है। बट जब मैं ये हलवा बनाती ना, आप उसको मतलब 24 घंटे बाद भी खाओगे ना, ये वैसे ही गीला गीला सा रहता है, जो कि सबसे अच्छा लगता है हलवे में चीज़। तो अभी मैं वही दिखाना चाह रही थी पर इन मैडम ने खा लिया। एंड आप भी ऐसे ही हलवा बनाते हो तो मुझे बताना, नहीं बताते हो तो नहीं बनाते हो तो भी बताना, मैं आपको रेसिपी बता दूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने कल के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया था, सो अब हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से तो नहीं। सो गाइस 7 बज गए और मैं आई थिंक 6:30 ही उठ गई थी। 6 बजे उठ के मैंने नहाना धोना कर लिया, आज श्राद्ध है, सो जल्दी से नहा धो के सारा काम वाम करना है घर का। अभी मैं पोछा लगाऊंगी, तो मम्मी झाड़ू लगा लिया, मैं पोछा लगाऊंगी एंड देन खाने का करेंगे, क्योंकि श्राद्ध के दिन खाना जल्दी बन जाना होता है, क्योंकि जब वो पंडित जी करेंगे तो उसमें सारा खाना चाहिए होएगा। सो अब गाइस हमारा ओबू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है बेचारा कल से। हाँ तो आज मम्मी लोग भी बहुत जल्दी उठ के नहाना धोना कर लिया मम्मी लोगों ने, क्योंकि आज किचन में जल्दी से खाना वगैरह सब बनना है। तो मौसी आज फुल अवतार में आई है अपनी। तो यहाँ पे दूध तो ये नॉर्मल वाला है जो डेली पीता है, इसमें खीर के लिए रखा है। हाँ तो इसमें खीर के लिए रखा है, बाकी सब्जी बनाने के लिए अभी थोड़ा बर्तन वर्तन है, और ये खीर के लिए चावल रखे हैं एंड ये आटा तो गूंदा हुआ है। ये किसका है? कसार के लिए। कसार क्या होता है? वो पिंड बनते हैं ना उसके। ये कसार के लिए मैंने ये आटा भी गूंदा है। ये कसार के लिए चावल भिगा के रखे हैं, पिंड बनेंगे इससे। एंड बड़ियों का बड़े बनते हैं हर मतलब त्योहार वगैरह में, तो और श्राद्ध में तो पक्का ही बनते। सो ये वही वाले हैं, सफ़ेद वाली जो उड़द दाल आती है, ये मिक्स वो वाली है, क्या वाली? छिलके वाली। हाँ तो इससे बड़े बनेंगे एंड मौसी रात सुबह सुबह आटा वाटा सब गून के रख दिया है। तो अभी जब सब्जी वगैरह बनेगी, सब्जी बनेगी वगैरह वगैरह होती, सब्जी चढ़ा दी, आलू शिमला मिर्ची खीर। ये जो ये वाली उड़द होती है ना, छिलके वाली उड़द, इसके बड़े थोड़ा हार्ड बनते हैं और वो वाले के थोड़े क्रंची और सॉफ्ट बनते हैं, बट कोई नहीं, बचपन से हमने यही वाले बड़े खाए हैं, वो वाले बड़े तो हमने अब आके खाए जब मैंने देखा कि ऐसे बड़े भी होते हैं, अदरवाइज हम हमेशा यही बड़े खाते थे। तो अब आपको सिर्फ रॉ चीज़ें दिखेंगी, अब हम आपको ये अलमारी खोल के दिखाएंगे। ओ माई गॉड। तो ये वाली अलमारी में हमने इस साइड सारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस रखे हैं, हमारा जूसर, चॉपर, वो टोस्ट वाला। अरे मम्मी ये गिर गया, चलो पहले मिक्सी निकाल लेते हैं। और ये सारा कैंटीन का सामान, ओ माई गॉड ये क्या चीज़ लेके आए हैं ये लोग, अच्छा बच्चों ये हम आपको दिखाएंगे नहीं अभी। सो ये सारा कैंटीन का सामान है इस साइड, और इस साइड भी कैंटीन का सामान है, और ये हमारा एग बॉयलर बहुत क्यूट सा, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें हम डाल के जल्दी से यू अंडे गरम कर उबाल लेते हैं। और अब मौसी पीसने जा रही है कसार। कसार मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, पिंड बनाने में उसको यूज़ करते हैं, भीगे हुए चावल। तो मौसी अभी वो आंगन दरवाजे पे वो डाल रही है तिल और
जौ क्यों डालते इसको? ये श्राद्ध में काम आते हैं ना, इसके पितरों के लिए होते हैं। ठीक है, तो श्राद्ध में पितरों के लिए होता है। हर दरवाजा, हर रूम के दरवाजे पे इसको डालते हैं हम लोग क्या सभी डालते हैं। अभी यहाँ पे भी डाल। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। और तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय करो, वो वाला वीडियो कल आएगा। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू होगा। पर चलो बाय।